हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सैनी एजुकेशन क्लासेज़ आरपीएफ कांस्टेबल एफ ईयर प्रवेश यायर के जी एस पर आधारित क्वेश्चन पेपर सेट में एक बार आपका फिर से स्वागत है आपको बताना चाहूँगा एक से लेकर पंद्रह तक प्रवेश ईयर पर आधारित क्वेश्चन पेपर सेट सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिए गए हैं अभी तक नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पी पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें पहला क्वेश्चन है क्रोमोसोम की संरचना में कौन-कौन भाग लेते हैं आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है आंसर होगा 9.8 न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के मद्र भांडों में किस प्रकार के मद्र भाण्ड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं इसका आंसर होगा चित्रित धूसर मर्द भांड नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है आंसर होगा भुवनेश्वर में नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है आंसर होगा पुरापाषाण काल नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे आंसर होगा पुरापाषाण काल नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था आंसर होगा मोहनजोदड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था आंसर होगा मृतकों का टीला नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल सनानागार कहाँ मिला था आंसर होगा माउन जोदड़ो में नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था कौन सा था आंसर होगा नालंदा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त को नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवानी से मानते हैं आंसर होगा त्रि नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था आंसर होगा श्री गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया आंसर होगा हुनो द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट और व्राहिमि के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं आंसर होगा गुप्त वंश के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है आंसर होगा समुद्र गुप्त की नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था आंसर होगा श्रीगुप्त अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए आंसर होगा सोना का नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है इसका आंसर होगा मेटलाइडस नेक्स्ट क्वेश्चन है खटे फलों में कौन सा एसिड होता है आंसर होगा सिट्रिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल बीवी का मकबरा एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक है आंसर होगा मृत व्यक्ति के नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया आंसर होगा 1950 को नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था आंसर होगा 1919 में नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे आंसर होगा अपने घोड़े को नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर हैलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है आंसर होगा के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पर था आंसर होगा लोथल में नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है आंसर होगा इसका वास्तविक संस्थापक नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी इसका आंसर होगा बिम्बिसार नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोफेशनल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं आंसर होगा आईपीएल पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण वार्षिक गति के कारण छमाही गति के कारण तिमाही गति के कारण इसका सही आंसर क्या होगा दैनिक गति के कारण सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति पृथ्वी यूरेनस शुक्र इसका सही आंसर होगा बृहस्पति नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह है मंगल सन्नी बुद्ध नेपचून इसका सही आंसर होगा बुध नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलहास धारा किस महासागर में बनती है प्रशांत महासागर में हिंद महासागर में आंक्रटिक महासागर में अन्य में इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ते का दूसरा ऑप्शन है निकल और तांबा का लोहा और जस्ता का लोहा और निकल का इसका सही आंसर होगा लोहा और निकल। मैगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है प्रथम देश कौन सा है फ्रांस रूसी संघ कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर होगा रूसी संघ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील भारत अमेरिका चीन इसका सही आंसर होगा अमेरिका इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका टोक्यो नागासाकी याकोहामा इसका सही आंसर होगा ओसाका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिशेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी आंसर है जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर बाल गंगाधर तिलक व्योम व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला ऑप्शन है लार्ड कैनिंग दूसरा ऑप्शन है नील आर्मिस्टोंग तीसरा ऑप्शन है जॉन मथाई चौथा ऑप्शन है एने इसका सही आंसर होगा लार्ड कैनिंग भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था दूसरा आर्य समाज ने तीसरा ऑप्शन है ब्राह समाज ने चौथा है अन्य इसका सही आंसर होगा आर्य समाज ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी सिंधु नदी कोशी नदी गोदावरी नदी इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है पूंजी मुद्दे ने डीएलएफ ने सेबी ने एन ने इसका सही आंसर होगा सेबी ने कोंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है केरल राज्य में कर्नाटक राज्य में तमिलनाडु राज्य में त्रिपुरा राज्य में इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में भारत की प्रथम बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी कावेरी नदी पर गंडक नदी पर दामोदर नदी पर यमुना नदी पर इसका सही आंसर है दामोदर नदी पर बता दूं कि जी एस परिवेश पर आधारित क्वेश्चन पेपर सेट सैन्य एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिए गए हैं जाके जरूर देखिए अभी तक नहीं देखा है तो सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जय हिंद